राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में आपसे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, तो उसमें आप क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियोस बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोज मिलती रहे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके उत्साहवर्धन और हौसला बढ़ाइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में ताकि और लोगों की मदद हो सके। प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा आप लास्ट तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन होंगे। दोस्तों एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन होंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए जो भाला पे खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा, ये ध्वजवाहक होंगे, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि 20 वर्ष के हैं और अपने करियर में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि जो एशियाई खेल 2018 का वो कहाँ पर आयोजित होगा, ये होगा दोस्तों इंडोनेशिया के जकार्ता के पोलेमबैंग शहर में, ठीक है। कहाँ पर? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पोलेमबैंग शहर में आयोजित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ध्वजवाहक पूछ लिया जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में कई बार। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात एशियाई खेलों की हो रही है तो आपसे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एशियाई खेल से। दोस्तों एशियाई गेम्स का प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो एशियाई खेलों की शुरुआत हुई 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को शुरुआत हुई थी। अब अगला कहाँ पे एशियाई खेल होगा दोस्तों, 2022 को जो एशियाई खेल होगा दोस्तों वो होगा चीन के हांगजू शहर में। कहाँ पे? चीन के हांगजू शहर में। और अभी का कहाँ हो रहा है? तो 18 अगस्त से शुरुआत होगी इसकी जकार्ता इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पोलेमबैंग शहर में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जकार्ता की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, तो इंडोनेशिया की राजधानी है वो है जकार्ता। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान प्रेसिडेंट दोस्तों इंडोनेशिया को वो जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो वर्तमान प्रेसिडेंट है। और दोस्तों जकार्ता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का मुख्यालय है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, SSC रेलवे और अन्य एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आसियान का फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है आसियान का फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। उसके साथ साथ ये पूछ लेता है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आसियान की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन होंगे? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि जो एशियाई खेल 2014 में हुआ था उसमें भारत जो है तो पदक तालिका में 8वें स्थान पर था और भारत ने कुल 57 मेडल जीते थे। और कहाँ पे होता 2014 को दोस्तों? ये होता इंचियोन में। कहाँ पे? इंचियोन में होता 2014 का। ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है 2014 कहाँ पे एशियाई खेल हुआ था, आपको याद रखना। इसमें भारत को 8वां पदक तालिका में 8वां स्थान था और टोटल 57 मेडल्स इसमें जीते थी इंडिया ने, ठीक है। तो ये आपको इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से मिल जाते हैं। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आज वीडियो को लाइक करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आपको वीडियो में थोड़ा सा भी फायदा होता हो दोस्तों मेरी वीडियो से तो आप लाइक कर दीजिएगा और आज प्लीज़ शेयर करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर लीजिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। उसमें एप्लीकेशन में आप अपने सर्च करके लाइक कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारे नोट्स शेयर करता हूँ। दोस्तों यदि आपको पूरे मंथ के एक साथ वीडियो फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के नया अध्यक्ष से नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रेखा शर्मा जी को। किसको? रेखा शर्मा को, यानी ऑप्शन सी राइट है। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य जो थी रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा आपको बता दें कि रेखा शर्मा पहले आयोग की सदस्य थीं और उनको अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था, अब जो है तो बना दिया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग दोस्तों क्या है, ये महिलाओं के लिए हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का शीर्ष राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछा आ सकता है आपसे, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जनवरी 1992 में। कब हुई थी, जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुई थी। दोस्तों यहाँ पे बात करें जयंती पटनायक की, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, पहली अध्यक्ष थी वो थी दोस्तों जयंती पटनायक। कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, जयंती पटनायक, एग्जाम में आपसे पूछा आ सकता है। वहीं बात करें दोस्तों ललिता कुमार मंगलम की, तो रेखा शर्मा से पहले ललिता कुमार मंगलम इसकी अध्यक्ष थी। वहीं बात करें दोस्तों अरुंधति राय जी की, तो बात करें अरुंधति राय जी दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी अरुंधति राय, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी अरुंधति राय, ठीक है। तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया गया दोस्तों रेखा शर्मा जी को, यानी ऑप्शन सी राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को। देखिए दोस्तों, परंपरागत जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। और इसको बता दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने जून 2018 में जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति को भी मंजूरी दे दी है और पॉलिसी का 20% तक इथेनॉल मिश्रण और 5% तक बायोडीजल मिश्रण तक पहुंचने का उद्देश्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करें 29 अगस्त की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त को प्रतिवर्ष दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर है 29 अगस्त को। वहीं बात करें 12 अगस्त की, तो प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। यहीं पे दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों 20 अगस्त की, तो प्रतिवर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, सद्भावना दिवस। तो प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 10 अगस्त को, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत को प्राप्त हुआ है 57, ऑप्शन डी राइट है। देखिए दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 नई दिल्ली में रतन वाटाल और प्रिंसिपल एडवाइजर नीति आयोग के जो और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पर भारत का जो है तो यह रैंक 2017 में क्या था, 60 था, 60 रैंक थी, लेकिन 2018 में यह 57वें स्थान पर आ गया है, तो काफ़ी सुधार हुआ है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों 57th, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शिखर सम्मेलन उद्घाटन किसने किया है। दोस्तों हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, और ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने यूपी के लखनऊ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और आपको बता दें दोस्तों, सूक्ष्म छोटे और मध्यम उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया था और कृषि के बाद अधिकांश लोगों ने इस क्षेत्र में रोजगार मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में यूपी का 44% योगदान देता है। और आपको बता दें दोस्तों कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत राज्य सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के माध्यम से 5 वर्षों में 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितने लाख, 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि वर्तमान में भारत के लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह, ठीक है। तो हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शिखर सम्मेलन कहाँ उद्घाटन कहाँ किसने किया, तो किया राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निवेशक सम्मेलन की मेजबानी नीति आयोग ने कहाँ पर की है।
दोस्तों हाल ही में निवेशक सम्मेलन की मेजबानी नीति आयोग ने कहाँ पर की है, ये कि दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नीति आयोग के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया फुल फॉर्म है और योजना के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। कब हुआ था स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के वर्तमान जो CEO हैं वो अमिताभ कांत, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वो है अमिताभ कांत, और वाइस चेयरमैन की बात करें तो यह है राजीव कुमार जी, ठीक है। और नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो हाल ही में निवेशक सम्मेलन की मेजबानी नीति आयोग ने कहाँ पर की, ये की अंडमान निकोबार में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, ट्राई के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों ट्राई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये जान लेते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म ट्राई का? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो इसके इनके अध्यक्ष कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन बी राइट। देखिए दोस्तों, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने RS शर्मा को दोबारा भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया? 2 वर्ष के लिए अतिरिक्त इनका प्रभार बढ़ा दिया, कार्यकाल बढ़ा दिया गया है RS शर्मा जी को, ठीक है। और आपको बता दें कि जब पहली बार है ट्राई के किसी भी प्रमुख को 3 साल के कार्यकाल के बाद फिर से नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें कि RS शर्मा जो 9 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब वह 30 सितंबर 2020 तक अध्यक्ष पर बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? 30 सितंबर 2020 तक। और कौन है अध्यक्ष? RS शर्मा। तो ट्राई के अध्यक्ष के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? यह बढ़ा दिया गया दोस्तों 2 वर्ष के लिए। और अध्यक्ष कौन है? RS शर्मा। ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। और ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो दोस्तों 20 फरवरी 1997 को। कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल का आंसर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था UIIC यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों S गोप कुमार को, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट था। लगभग 99% स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था, ठीक है, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल, आज का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राज्यसभा के नए उपसभापति कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा, ऑप्शन आपके सामने। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, यदि मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, लगभग 5 से 6 हज़ार लोग आज कमेंट करेंगे, ठीक है। तो हाल ही में राज्यसभा के नए उपसभापति कौन बने, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी जस्ट यहाँ पर प्ले होगी तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने बहुत सारी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ बनाई है पिछले 6 मंथ की, आप लोगों ने कमेंट किया था लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वीडियो सर बनाइए, बना दिया हूँ, आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया तो उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, प्लीज इसे शेयर करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।